आज हम बनाएंगे कच्चे केले और आलू की सब्जी। आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, बिल्कुल आसान तरीका से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कच्चे केला को काट लिया है और हल्दी वाले पानी में भिगा के रखा है, और यहाँ पे आलू भी लिया है, आलू को अच्छे से लंबा लंबा करके काट लिया है, पानी में भिगा करके रखा है, और साथ में मैंने दो टमाटर लिया है, इसे भी धोकर रख लिया है। और इसके साथ में जो पेस्ट बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, दो प्याज, चार पांच लहसुन की कलियाँ, इस तीनों चीज़ का पेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, और यहाँ पे डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डाल के थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लेंगे, तेल गर्म हो जाएगा तो हम कच्चा केला और आलू को फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अभी हम आलू को डाल देते हैं। आलू को डाल दिया है, आलू के साथ में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। हल्दी नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ में। तो इसको अच्छे से भूनेंगे आलू को। हल्दी नमक को मिक्स कर लिया है, अभी केले को भी डाल देते हैं। केले को हमने हल्दी के पानी में भिगा के रखा था। हल्दी के पानी में भिगाने से केले का कौसापन भी निकल जाता है और काला भी नहीं पड़ता है। तो अभी हम दोनों चीज़ को मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हाई रख करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे आलू और केले को। गैस का फ्लेम हाई रखा है हमने, इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू, नहीं तो नीचे चिपक सकता है। तो अभी इसे ढक देते हैं एक दो मिनट के लिए, तब तक हम यहाँ पे पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी का जार ले लिया है हमने, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो अभी मिक्सी के जार में डाल देते हैं। हरी मिर्च को भी डाल दिया है, लहसुन को भी डाल देते हैं। सब चीज़ का अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। सब चीज़ का अच्छे से पेस्ट बना लिया है, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन का। तो एक कटोरी में निकाल लेंगे। अभी टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे इसी जार में। टमाटर के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। टमाटर का पेस्ट बना लिया है हमने, और साथ में इसे सब्जी को भी चला दे रहे हैं। ये अच्छे से भुन गई है, आप देख सकते हैं टमाटर के पेस्ट को। तो सब्जी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। आलू और केले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आलू और केले को निकाल लिया है, अभी जो कढ़ाई में तेल है इसी तेल में हम तड़का लगाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो पहले हमने कश्मीरी एक मिर्च ली है सूखी वाली, इसे तोड़कर डाल दिया है, दो तेज पत्ता, दो हरी इलायची, हरी इलायची को बीच से तोड़ दिया है, दो लौंग भी लेंगे, थोड़े से साबुत जीरा, सब चीज़ को अच्छे से चटका लेंगे। तड़का अच्छे से चटक गया है। अभी जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का, तो इसे डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से भून लेंगे, तब तक इसका कच्चापन नहीं हट जाता। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है, अच्छे से इसको भूनेंगे। अच्छे से भून गया है प्याज, हरी मिर्च, अब साथ में टमाटर का पेस्ट बनाया था इसे डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से भून लेंगे।
मसाले की जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतने ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ेगा। साथ में नमक भी डाल देते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद देखते हैं मसाला अच्छे से भून गया है। तेल भी छोड़ दिया मसाले ने। अभी हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को, अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच। सिर्फ कलर के लिए डाला है हमने, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ढक करके इसे पका लिया है 2-3 मिनट। मसाला अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं। कितने अच्छे से मसाला भून गया है, तेल भी सेपरेट हो गया है मसाले का। तो अभी हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू और केले को डाल देंगे। मसाले के साथ में आलू और केले को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। मसाले के साथ में आलू और केले को अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छे से भून गया है। अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं। अभी हम पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिया है ग्रेवी के हिसाब से। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 हरी मिर्च को चीरा लगा करके डाल देते हैं। हल्का हल्का सा कट लगाया है। अभी इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं, 8-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 8-10 मिनट हो गए हैं, अभी एक बार इसे चेक कर लेते हैं। आलू को चेक करेंगे और केले को भी चेक करेंगे। हल्का सा बाकी लग रहा है, अभी थोड़ी देर और पकाएंगे, थोड़ा सा बाकी है। 5 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं। पाँच मिनट के बाद खोल कर देखा है, ढक्कन अच्छे से पक गई है। थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं। हरा धनिया डाल देते हैं ढेर सारा। आधी चम्मच देसी घी डाल देते हैं। घी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में, आप भी ज़रूर से डालिएगा। अगर नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं। अच्छे से पक गई है सब्जी, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। घी को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। ये सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं, पूड़ी, रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं।
तो हमने गैस बंद कर दी है, अभी इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम पर। तो 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा सब्जी का कलर आया है और बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। कैसी लगी आज की रेसिपी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।